Hello everyone, in this video I am going to explain 80386 flags. तो पढ़ते हैं 80386 के flags कैसे work करते हैं। तो ये इसको e flag register है, जो भी यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये 32 bit का register होता है। 80386 में e flags का जो register है वो है 32 bit का, लेकिन उसमें से कई सारे bits use ही नहीं हो रहे, तो उसमें से कुछ ही हमें पढ़ने हैं। अब ये जो सारे फ्लैग्स है ये डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जैसे कि है एस इंडिकेट स्टेटस फ्लैग, तो स्टेटस फ्लैग को एस से इंडिकेट किया है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, सारे स्टेटस फ्लैग है। उसी तरह सी इंडिकेट करता है कंट्रोल फ्लैग, और ये जो डायरेक्शन फ्लैग है ये क्या है, कंट्रोल फ्लैग है। और एक्स इंडिकेट सिस्टम फ्लैग, यानी सिस्टम फ्लैग जो है ये एक्स से इंडिकेट किया है, तो ये सारे क्या है, सिस्टम फ्लैग है। तो देखते हैं ये सारे फ्लैग्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन फ्लैग से। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या है, तो डीएफ इज अ कंट्रोल फ्लैग ऑफ ई फ्लैग रजिस्टर एंड इट कंट्रोल्स द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। किस लिए यूज होता है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। क्या है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, तो जब भी मेमोरी में हम जो डेटा है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ डेटा, या उसे ब्लॉक ऑफ डेटा भी कहा जाता है। तो अस्यूम कीजिए कि ये कोई तो मेमोरी लोकेशन है, ये इसका टॉप लोकेशन है यानी हायर लोकेशन है, और ये इसका लोअर लोकेशन है, और यहाँ कहीं तो एक करंट लोकेशन है। करंट लोकेशन यानी करंटली हमने इसका एक डेटा एक्सेस कर लिया है, या यहाँ से डेटा हमने एक्सेस किया है और ये इसका एड्रेस है। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है, तो इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा किस डायरेक्शन में अवेलेबल है मेमोरी में ये हमें बताता है। तो डायरेक्शन फ्लैग कहाँ है ई फ्लैग रजिस्टर में, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन फ्लैग आप देख सकते हो। अगर डायरेक्शन फ्लैग जीरो होता है, अगर डायरेक्शन फ्लैग जीरो है तो क्या लिखा है कि इट एक्सेस द स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम लोअर मेमोरी टू हायर मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहां से अगर हमने ऑलरेडी डेटा एक्सेस कर लिया है तो अब सॉरी नेक्स्ट डेटा हमारा कहाँ है, तो उस लोकेशन के बाद वाले लोकेशन में है, यानी इसके बाद वाला जो डेटा आएगा वो यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा, यानी करंट यहाँ से डेटा एक्सेस कर लिया है, अब नेक्स्ट जो डेटा है वो अवेलेबल है नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लोकेशन। उसी तरह से अगर डायरेक्शन फ्लैग वन है, अगर डायरेक्शन फ्लैग वन है तो वो इंडिकेट करता है कि डेटा जो है वो अवेलेबल है फ्रॉम हायर मेमोरी लोकेशन टूवर्ड्स लोअर मेमोरी लोकेशन, यानी डेटा का डायरेक्शन है यहाँ पे, यानी अगर यहाँ का डेटा अभी हमने एक्सेस कर लिया है या 80386 में एक्सेस कर लिया है तो ये इंडिकेट करता है कि अब नेक्स्ट डेटा जो आने वाला है वो प्रीवियस मेमोरी लोकेशन से आने वाला है, फिर उसके बाद उसके पहले वाले, फिर प्रीवियस और प्रीवियस और प्रीवियस लोकेशन से आएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन फ्लैग हमें डायरेक्शन दिखाता है कि डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, नेक्स्ट लोकेशन पे अवेलेबल है या प्रीवियस लोकेशन पे अवेलेबल है। उसके बाद आता है ट्रैप फ्लैग या ट्रैप एनेबल फ्लैग। तो यहाँ पे ये है पोजीशन बिट नंबर 8 ट्रैप फ्लैग का। यहाँ पे लिखा है व्हेन ट्रैप फ्लैग इज सेट, अगर ये सेट है यानी अगर ये फ्लैग 1 है तो क्या होता है, देन 80386 जनरेट्स एन एक्सेप्शन 1 ट्रैप आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोई प्रोग्राम है जिसमें कि इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम बना हुआ है इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 3 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर ये ट्रैप फ्लैग 1 है तो ये एक्सेप्शन 1 ट्रैप हो जाता है। इसका मतलब हम रिजल्ट देख सकते हैं, हम रजिस्टर के कंटेंट्स चेक कर सकते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आप रजिस्टर के कंटेंट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैप फ्लैग जीरो है तो आपको पूरा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करवाना होगा, उसके बाद ही आप कंटेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ये है काम ट्रैप फ्लैग का। नेक्स्ट है इंटरप्ट एनेबल फ्लैग। अब ये इंटरप्ट एनेबल फ्लैग ये है पोजीशन बिट नंबर 9 इन ई फ्लैग रजिस्टर है। ये है सिस्टम फ्लैग। अब इंटरप्ट हमने बहुत ही डिटेल में 8086 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है इंटरप्ट की, अगर ये 80386 प्रोसेसर है, ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, ये डिवाइस के पास एक प्रोग्राम है और इस डिवाइस को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ये डिवाइस तो एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा, तो ये डिवाइस क्या करता है, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके, और उसके लिए वो एक सिग्नल सेंड करता है 80386 को, और उसी को बोलते हैं इंटरप्ट। तो अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 है, आईएफ फ्लैग इज 1, अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग 1 है,
तो क्या होता है, इफ आई एफ फ्लैग इज सेट इट अलाउज रिकॉग्निशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट. अगर आई एफ फ्लैग वन है और ये डिवाइस अगर इंटरप्ट भेजता है तो 8.0.8.3.8.6 क्या करेगा, उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे जाके जहां पे भी ये प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके फिर से अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं. लेकिन अगर इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो है, अगर इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो है यानी ये यहाँ पे जीरो है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरप्ट फ्लैग जीरो है, तो ये डिवाइस कितना भी इंटरप्ट सेंड करे तो 8.0.3.8.6 उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा और नहीं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देगा. नेक्स्ट फ्लैग है आईओ प्रिविलेज फ्लैग, आईओपीएल फ्लैग. सो आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, P stands for privilege and L stands for level. So it is IO privilege level flag, जो कि system flag है. आप यहाँ पे देख सकते हो ये है position flag का. अब what is privilege level in 86? Privilege level होता क्या है? तो privilege level in 86 instruction set controls the access of program currently running on the processor to resources such as memory regions, input-output ports, special instructions. यानी अब आप अस्यूम कीजिए कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसका करंट प्रोग्राम है जो कोई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस. फिर यहाँ पे मेमोरी रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. इसमें 386 में क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन सेट को 80386 इंस्ट्रक्शन पे प्रिविलेज लेवल असाइन किया जाता है. देर आर फोर प्रिविलेज लेवल्स, फोर प्रिविलेज लेवल्स होता है 0, 1, 2, 3. उसमें से प्रिविलेज लेवल 0 जो है, प्रिविलेज लेवल 0 इट इज मोस्ट प्रिविलेज. मोस्ट प्रिविलेज यानी उसका हायर प्रायोरिटी होता है. तो सपोज ये हायर प्रायोरिटी वाला होगा, उससे कम प्रायोरिटी वाला प्रिविलेज लेवल 1 होता है, उसके बाद प्रिविलेज लेवल 2 होता है, उसके बाद प्रिविलेज लेवल 3 होता है. तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को, डेटा को प्रिविलेज लेवल असाइन होता है. तो क्या होता है उसमें कि ये दो बिट्स है आईओपीएल, आईओपीएल जो है वो सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल के लिए है, यानी इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसका प्रिविलेज लेवल ही इंडिकेट करता है. तो अगर ये दो बिट का है फ्लैग, बिट नंबर 12 और बिट नंबर 13, अगर ये 11 है, 11 है इसका मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने प्रिविलेज लेवल 3 दे दिया है. 3 होता है लोअर प्रिविलेज लेवल. ओके, ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है, ये करंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसका प्रिविलेज लेवल 3 है, इसको बोलते हैं करंट प्रिविलेज लेवल, ये 3 है. तो ये अगर 3 है और ये भी 3 है तो ये इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसका और इसका प्रिविलेज लेवल सेम है, ये इंस्ट्रक्शन का प्रिविलेज लेवल सेम है. लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका प्रिविलेज लेवल 1 है, यानी इससे हायर है, करंट प्रिविलेज लेवल से ये हायर है, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. ये 3 है तो इसको भी एक्सेस कर पाएगा. यानी क्या है, तो अगर यहाँ पे प्रिविलेज लेवल इनपुट आउटपुट को अगर 3 है तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ करंट प्रिविलेज लेवल, ये जो करंट प्रिविलेज लेवल है ये लेस देन और इक्वल टू IOPL है, यानी इंस्ट्रक्शंस, ये जो IO इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे इन INS, आउट, आउट एस, ऑल दीज आर इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. तो ये इंस्ट्रक्शंस तभी एक्सेस करेगा अगर करंट का लेवल इससे लेस देन और इक्वल है. इसका मतलब दिस मैकेनिज्म ऑपरेट ओनली इन प्रोटेक्टेड मोड, यानी प्रोटेक्टेड मोड में जब 80386 ऑपरेट हो रहा है. प्रोटेक्टेड मोड क्या है कि 80386 अपनी तरह बिहेव कर रहा है, 80386 की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसे प्रोटेक्टेड मोड में. प्रोसेसर यूजेस 2 बिट्स ऑफ दिस फ्लैग फॉर असाइनिंग द प्रिविलेज लेवल. अब क्या होता है इसमें, आप देख सकते हो कि प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल, प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल अगर जीरो है यानी हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल है तो इट कैन एक्सेस द इंस्ट्रक्शन विद प्रिविलेज लेवल 0, 1, 2 and 3. अगर प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल 1 है तो इंस्ट्रक्शंस विद PL1, PL2 and PL3 एक्सेस कर सकता है, 3 है तो PL3 एक्सेस कर सकता है, 0, 1, 2 को नहीं एक्सेस कर पाएगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. NT है नेस्टेड टास्क विच इज अ सिस्टम फ्लैग. सिस्टम फ्लैग है किस लिए यूज होता है,
तो दिस फ्लैग अप्लाइज प्रोटेक्टेड मोड, ये प्रोटेक्टेड मोड में ही यूज होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे है एंटी फ्लैग, इट इज सेट. नेस्टेड फ्लैग इज सेट टू इंडिकेट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क इज नेस्टेड, यानी वहां पे नेस्टेड लूप्स है ये इंडिकेट होता है विथ अनदर टास्क, यानी प्रोग्राम में नेस्टेड लूप्स है. अब नेस्टेड लूप्स कैसे होता है कि सपोज ये कोई प्रोग्राम है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वन है, टू है और बीच में यहाँ पे कॉल है, इट इज कॉलिंग सम अदर एड्रेस, यानी इस एड्रेस पे अब ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि इस एड्रेस में जो प्रोग्राम स्टोर किया अब उसको वहां पे जाके इसको एग्जीक्यूट करना है. तो क्या करेगा प्रोसेसर, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करने के बाद उसको पता चलता है कि एड्रेस वन पे कोई और प्रोग्राम स्टोर किया है तो उसे वहां पे जाना है, तो वहां जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन वन एग्जीक्यूट करता है. इंस्ट्रक्शन वन एग्जीक्यूट करने के बाद ये कॉल इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे और एक एड्रेस टू है, इस लोकेशन पे और एक प्रोग्राम है, वहां जाके उसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. तो व्हाट इट विल डू कि इट विल गो हियर एट एड्रेस टू, फिर यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन वन एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन टू करेगा, ये एड्रेस टू नहीं है और यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, अज्यूम करो नॉर्मल है. तो ये इंस्ट्रक्शन वन एग्जीक्यूट करेगा, टू करेगा, सारा प्रोग्राम ये एड्रेस टू पे स्टोर किया हुआ एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद रिटर्न एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर से प्रीवियस प्रोग्राम में आना है, यानी जो जस्ट छोड़ा था वहां पे आना है और उसके बाद वाली सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है. ये करने के बाद फिर उसे फिर से प्रीवियस लोकेशन पे जाना है, फिर इसको इंस्ट्रक्शन फोर और इंस्ट्रक्शन फाइव एग्जीक्यूट करना है. तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप और नेस्टेड टास्क. तो अगर ये फ्लैग वन है तो ये इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट्स दैट द करंट नेस्टेड टास्क हैज अ वैलिड बैकलिंक टू द प्रीवियस टास्क, यानी यहाँ पे प्रॉपर बैकलिंक है, यानी प्रीवियस टास्क को यहां से यहां जाने का टास्क जो है बैकलिंक प्रॉपर है, ये इंडिकेट करता है. नेक्स्ट है रिज्यूम फ्लैग विच इज डिनोटेड बाय RF, यहाँ पे है ये रिज्यूम फ्लैग. Resume flag is used with debug register breakpoint. Debug register breakpoint के लिए use किया जाता है, साथ में use किया जाता है. This flag is checked at the starting of every instruction cycle. हर एक instruction cycle के पहले ये flag check होता है. Instruction cycle क्या है? तो एक instruction execute करने के लिए कितना time लगता है उसको बोलते हैं instruction cycle. इसमें सारा कुछ होता है, instruction send करना, address send करना, data send करना या एवरीथिंग. तो हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के पहले ये फ्लैग चेक होगा, और अगर ये सेट है और वहां पे कोई भी डीबग फॉल्ट आता है तो वो इग्नोर करेगा और ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये फ्लैग अपने आप रीसेट हो जाता है. RF इज ऑटोमेटिकली रीसेट आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट आई रिटर्न एंड POPF इंस्ट्रक्शन. तो आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ये रिज्यूम फ्लैग क्या होगा, अपने आप जीरो हो जाएगा. अब नेक्स्ट है VM फ्लैग. VM फ्लैग का पोजीशन ये है. VM फ्लैग स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मोड फ्लैग. अब वर्चुअल मोड फ्लैग क्या है? तो VM बिट प्रोवाइड्स वर्चुअल 8086 मोड विद प्रोटेक्टेड मोड. अगर 80386 प्रोटेक्टेड मोड में ऑपरेट हो रहा है, यानी वो 80386 की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ये फ्लैग वन है तो 80386 विल स्विच टू वर्चुअल 8086 ऑपरेशन. वर्चुअल 8086 ऑपरेशन में स्विच होगा, यानी 8086 के इंस्ट्रक्शंस अब ये एग्जीक्यूट कर सकता है, 8086 की तरह बिहेव करता है, 8086 की प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, और 8086 की तरह सेगमेंट्स भी लोड करता है, यानी ये 386 से 8086 मोड में स्विच होता है. तो अगर वर्चुअल मोड वन है, यानी उसको बोलते हैं वर्चुअल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ 80386 प्रोसेसर. उसके बाद है स्टेटस फ्लैग्स. तो देयर आर वेरियस स्टेटस फ्लैग्स इन 80386. अब ये स्टेटस फ्लैग जो है हमने 8086 माइक्रोप्रोसेसर में बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो. यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बढ़ाऊंगी क्योंकि फ्लैग सेम है, बिहेवियर सेम है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटस फ्लैग. स्टेटस फ्लैग एज नेम सजेस्ट क्या करता है ये, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद 80386 का क्या स्टेटस है ये हमें पता चलता है. स्टेटस यानी रिजल्ट जीरो है, कैरी जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब हमें जानना है तो हम स्टेटस फ्लैग से जान सकते हैं. तो क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरी फ्लैग से. कैरी फ्लैग क्या करता है, कैरी फ्लैग इज सेट टू वन आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इट कैरी जनरेट्स.
यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, और अगर हायर बिट से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर कैरी जनरेट होता है या बोरो जनरेट होता है सब्ट्रैक्शन में, तो कैरी फ्लैग विल सेट टू वन, कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग जीरो होगा. फिर नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग, पीएफ फ्लैग. अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद रिजल्ट है आपका, रिजल्ट के वन काउंट करने. इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन, अगर जो वंस है वो इवन है, 2, 4, 6, 8, तो आपका पैरिटी फ्लैग सेट होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग जीरो होगा. फिर है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या करता है कि नीबल जो है, नीबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स, ये फोर बिट्स में से अगर कैरी जनरेट होता है, यानी ये जीरो एक बिट हो गया आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड बिट टू फोर्थ बिट अगर कैरी प्रोपोगेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल सेट टू वन, अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा. नेक्स्ट है जीरो फ्लैग. जीरो फ्लैग क्या करता है, आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अगर आपका रिजल्ट सारे जीरो है, रिजल्ट में अगर सारे जीरो है तो जीरो फ्लैग होगा वन, और अगर रिजल्ट में एक भी नॉन जीरो नंबर है तो जीरो फ्लैग होगा जीरो. अब नेक्स्ट है साइन फ्लैग. साइन फ्लैग क्या करता है, आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि साइन इंडिकेट करता है. तो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर जीरो है तो साइन फ्लैग भी आपका होगा जीरो. और रिजल्ट में अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका रिजल्ट निगेटिव है, तो निगेटिव अगर है रिजल्ट तो साइन फ्लैग होगा वन. इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो जीरो होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है तो वन होगा. उसके बाद हमने पढ़ा है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग. उसके बाद है ओवरफ्लो फ्लैग. ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट इफ रिजल्ट इज टू लार्ज अ पॉजिटिव नंबर और टू स्मॉल अ नेगेटिव नंबर एक्सक्लूडिंग साइन बिट टू फिट इन डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्लियर अदरवाइज. ओवरफ्लो फ्लैग तब सेट होता है अगर हमें रिजल्ट गलत मिलता है. इसका मतलब है अगर हम दो निगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट निगेटिव आना चाहिए, तो वहां अगर रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या होगा, सेट होगा. या हम दो पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट हमें निगेटिव मिल रहा है तो वो क्या होगा, सेट होगा. अगर एक निगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है ऐड कर रहे हैं, अगर रिजल्ट हमें एरर में मिलता है, साइन गलत मिलता है, तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या होगा, सेट होगा. तो स्टेटस फ्लैग ये मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है. डिटेल में पढ़ना है तो 886 में से पढ़ो और एक्सप्लेनेशन सेम होगा. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द फ्लैग्स वेरी क्लियरली. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.